हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट हाई लो ऑडियो कन्वर्टर, जो कि फैक्ट्री फिटेड कार स्टीरियो के साथ यूज होता है टू कन्वर्ट हाई सिग्नल इनटू लो सिग्नल, जिसके थ्रू हम ऑडियो एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं। और ये है मेरा पहले से इंस्टॉल्ड हाई लो कन्वर्टर, जो कि JBL का है, जबकि मैं एम्प का हाई इनपुट सॉकेट भी यूज कर सकता था, जो कि काफी एम्प के साथ आ जाता है इंस्टेड ऑफ हाई लो कन्वर्टर, मगर क्यों नहीं किया। तो इसको ध्यान से सुनना, हम एम्प हाई इनपुट तभी यूज कर सकते हैं अगर हमने फैक्ट्री स्टीरियो स्पीकर आउटपुट से कोई एक स्पीकर कनेक्ट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट स्पीकर डायरेक्टली थ्रू स्टीरियो और वूफर एम्प के थ्रू हम यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि फैक्ट्री स्टीरियो स्विच ऑन होते ही स्पीकर की कनेक्टिविटी को सर्च करता है और स्पीकर ना मिलने पे थंब नॉइज आएगी, जो कि एम्प से बूस्ट होके हमें एम्प कनेक्टेड स्पीकर्स में सुनाई देगी। और ये थंब नॉइस हाई लो कन्वर्टर इजिली रिमूव कर देता है, और इसी रीजन की वजह से आई एम यूजिंग हाई लो कन्वर्टर। तो काफी टाइम से मुझे राइट साइड के स्पीकर्स में कम साउंड आ रही थी, जिसका कारण है ये हाई लो कन्वर्टर, जो कि एक्चुअली खराब हो गया है। मैंने इसमें आउटपुट वायर डायरेक्टली शोल्डर भी करी, बट कुछ फर्क पता नहीं लगा, तो फाइनली डिसाइडेड कि इसे ही चेंज करते हैं। तो ये है ब्लू पंक का 4-चैनल लाइन आउट कन्वर्टर। तो चलो पहले इसको यहाँ से निकालते हैं, फिर लगाते हैं इसको। और ये है आउटपुट वायर्स, जो कि एम्प में लगेंगी। और ये सब है इनपुट वायर, जिन्हें फैक्ट्री स्टीरियो से कनेक्ट करना होगा। इसमें ये स्पीकर वायर, ये ब्लू वाली रिमोट वायर, ब्लैक वाली ग्राउंड वायर और येलो वाली 12 वोल्ट वायर। मगर इन तीन वायर्स को कनेक्ट करने से पहले मैं ये जरूर चेक करूंगा कि इसका रिमोट वायर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले वाले में ये चीज वर्क नहीं कर रही थी। अगर इसमें भी नहीं करेगी तो इन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे। और हाँ, ये काम करते टाइम ध्यान रखें, कार स्टीरियो एंड बैटरी इज टर्न ऑफ। तो स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। ये ऑरेंज वायर मैंने पहले ही फैक्ट्री स्टीरियो से इंस्टॉल कर रखी है, तो इनपुट वायर डायरेक्टली यहीं कनेक्ट कर देंगे और हमें स्टीरियो ओपन करने की जरूरत नहीं। वायर्स को डिस्कनेक्ट करने से पहले मार्किंग कर लेते हैं, जिससे बाद में आराम से पता लग जाए कि कौन सी वायर फ्रंट लेफ्ट राइट एंड रियर राइट लेफ्ट की है। तो मार्किंग कर ली है, अब हम इस वायर्स को, जो कि हमने सोल्डर कर रखे हैं फॉर बेटर कनेक्शन, अब इसको डीसोल्डर करते हैं। न्यू लाइन आउट कन्वर्टर के इन कनेक्टर्स में एक चेंज करेंगे, इन फीमेल RCA कनेक्टर को हटा के ये मेल RCA कनेक्टर लगा देंगे, जिससे कि ये डायरेक्टली एम्प में लग सके। बट ऐसा करने से पहले ये चेक जरूर कर लें कि लाइन आउट कन्वर्टर सही काम कर रहा हो। सो फाइनली फीमेल कनेक्टर निकाल के मेल कनेक्टर लगा लिए हैं, जो कि अब डायरेक्टली हमारे एम्पलीफायर में ही सेट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, और हमें एक्सटेंशन लीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो भी स्लीव्स काट ली हैं, जो हमें जॉइंट को कवर करने में मदद करेंगे। इन वाली वायर्स को भी अलग कर देते हैं, इनको बाद में कनेक्ट करके चेक करेंगे। अब हर एक वायर को स्पीकर आउटपुट वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और कौन से स्पीकर की कौन सी वायर है उसकी डिटेल आपको लाइन आउटपुट कन्वर्टर पे मिल जाएंगी। सोल्डरिंग डन। और सोल्डरिंग करने से एक फायदा हुआ, अब हमारे ये कनेक्शन लूज नहीं होने वाले, ये जैसे हैं एज इट इज आएंगे। और अब इन पे स्लीव्स चढ़ा देते हैं। अब इनको हल्की हल्की हीट लगाएंगे, जिससे कि ये जो स्लीव्स हैं ये श्रिंक हो जाए और टाइटली वहाँ से स्टक हो जाए। और ये हमारा हो गया कनेक्शन। हीट स्लीव्स लगाने से ये फायदा हुआ, वह टेप की जरूरत नहीं है, ये हमारा कहीं नहीं जाने वाला जॉइंट। अब इसका ये देखेंगे कि इसका रिमोट कनेक्शन एक्चुअली में वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हमारी जो रिमोट वायर आ रही है उसको एक बार निकाल लेते हैं। ये हमारी रिमोट वायर, इस रिमोट वायर में हमारी 12 वोल्ट आएंगी, जब हम की को वन टर्न करेंगे तो इसको लगाते हैं डायरेक्ट 12 वोल्ट येलो वाले में, और
इससे एम्प ऑन होगा, इसको लगा देते हैं एम्प टर्न ऑन वाले में, और ये है हमारा न्यूट्रल, इसको लगा देते हैं न्यूट्रल के साथ ग्राउंड। अब चेक करते हैं कि इज इट एक्चुअली वर्किंग और नॉट। मुझे नहीं लगता कि लाइन आउटपुट कन्वर्टर का रिमोट वायर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने की ऑन करी, कन्वर्टर की लाइट और एम की लाइट दोनों ऑन हो गई। प्रॉपर वर्किंग तभी होती की ऑन करने पे खाली कन्वर्टर की लाइट ऑन होती, और जब मैं स्टीरियो ऑन करता तभी एम्प ऑन होता। और अब तो मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्री फिटेड स्टीरियो में ये पॉसिबल है। तो कन्वर्टर के रिमोट और पावर वायर्स को कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके बिना भी ये काम करेगा। और जो अपने मेन जो की वायर थी वहां पे ग्लू से ग्लू लगा देते हैं, जो कि हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करेगा। तो फाइनली कन्वर्टर कनेक्ट हो चुका है, और अब एम का गेन सेट करेंगे। अगर बाहर किसी शॉप की बात करें तो कोई भी सॉन्ग चला के अंदाजे से एम का गेन सेट कर देते हैं, मगर मैं प्रॉपर फ्रिक्वेंसी टोन प्ले करके मल्टीमीटर के थ्रू एम का गेन सेट करूंगा। गेन सेट करेंगे वूफर के लिए, उसके लिए हमें चाहिए 50 हर्ट्ज सॉन्ग, जो कि मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, और जो कि हमें पेन ड्राइव से अपने स्टीरियो में प्ले करनी है। ब्लूटूथ से प्ले नहीं करनी है, बिकॉज उसमें डिफरेंस आता है। सो ऑलवेज यूज पेन ड्राइव इफ़ यू हैव पेन ड्राइव इन इट। सो ये पेन ड्राइव अपनी लगाते हैं, पेन ड्राइव लगा दी, अब इसको ऑन कर लेते हैं और इसको USB पे सेट कर देते हैं। ऑडियो में जाके फेडर अपना रियर कर देते हैं, जो कि है वूफा, और एक बार चेक कर लेते हैं। ओके 62, 63, ऑलमोस्ट 60 इज आवर मैक्स, तो हमें 70% रखनी है, राइट? तो 60 का हाफ इज 30, एंड 30 प्लस 15 जो कि हमारा 75% हो जाएगा। हम इसको अराउंड 40 रखेंगे। और USB में जो ट्रैक है अपना हम प्ले कर देंगे। ये हमारा ट्रैक प्ले हो रहा है, और अब हम विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज सेट करेंगे। जब भी आप इस साउंड को प्ले करें, अपने वूफर को डिस्कनेक्ट कर दें। तो जैसे मैंने भी यहाँ पे कर लिया है, वूफर का वायर को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, और इस वायर में अब मैं अपने इस मल्टीमीटर के थ्रू, जो कि क्लैंप मीटर भी है, वोल्टेज को चेक करेंगे। एग्जैक्ट वोल्टेज निकालने का तरीका आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो एज़ पर दिस फॉर्मूला, क्योंकि मेरा वूफर जो है 350 वॉट RMS का है, और विच इज़ अ 4 ओम्स, तो उसका स्क्वायर रूट करके आया अराउंड 37.4। सो फॉर द सेफ साइड हम इसको 37 पे रखेंगे, और अपने इसको हम सेट करेंगे AC वोल्टेज पे। तो हमारी वोल्टेज निकल गया 37.4, हम इसको 37 तक सेट करेंगे। एक बार इसको पूरा डाउन कर देते हैं, और इसके गेन को हम स्लोली बढ़ाएंगे। सो इट इज 37, हम इसको भी इस पे सेट कर देंगे। तो ये हमारी जो है परफेक्ट सेटिंग है। तो ये हो गया सबवूफर का गेन सेट। और मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसी गेन सेट करने के लिए कोई भी सॉन्ग किसी भी वॉल्यूम पे प्ले करके आप अपने हिसाब से गेन सेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि हाई वॉल्यूम पे साउंड डिस्टॉर्ट ना हो, क्योंकि अभी सॉन्ग तो प्ले कर नहीं सकता ड्यू टू कॉपीराइट इशू। बट अगर मैं इसे JBL वाले हाई लो कन्वर्टर से कंपेयर करूँ, तो ब्लूपंक का आउटपुट इज फार बेटर। JBL कन्वर्टर में स्टीरियो ऑन करते ही हिसिंग नॉइज आती थी, मगर ब्लूपंक में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ब्लूपंक के लाइन आउट कन्वर्टर को मैं टोटली रिकमेंड करूंगा इफ़ यू नीड हाई लो कन्वर्टर फॉर योर कार एम्प। और इसको परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। होप आपको कुछ नया पता लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, एंड प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।